अभी हम इनके रूफ टॉप में आए जो कि बहुत सुंदर लग, स्पेशियस बहुत ज्यादा है, ये देख सकते हैं वहां तक है ये। यहाँ का व्यू भी आपको दिखा देती हूँ, फिनिक्स प्लासियो मॉल के पीछे का इंसम है, सुशी है और अपना देसी तो वही हाथी है, तो हाथ से डरता है कि खुल के बात करने में वो, उसको हम लोग शिवजी भगवान में भी चढ़ाते हैं आई गेस। अंदर ले चलती हूँ, लेट्स गो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता, आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। सो दोस्तों, अभी मैं आ रखी हूँ मॉल, फिनिक्स प्लासियो मॉल जो कि गोमती नगर लखनऊ में है, और यहाँ पर हम आज एक रेस्टोरेंट को कवर करने आए हैं, तो ये हमारा फूड ब्लॉग होने वाला है। सो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, नीचे प्यारा सा लाल कलर का बटन है उसका खचेक से दबा कर मेरी प्यारी सी यूट्यूब आपकी का हिस्सा बन जाएगा। तो दोस्तों, मैं रेस्टोरेंट में तो आ चुकी हूँ, और अंदर जो इंडोर वाला इनका रेस्टोरेंट है वहाँ पे बहुत लाउड म्यूज़िक बज रहा है, इस वजह से मुझे आउटडोर आना पड़ा। सो यहाँ पर अभी हम इनके रूफ टॉप में आए जो कि बहुत सुंदर लग रहा है, और रेस्टोरेंट का नाम मैं आपको बता देती हूँ, एट इस रेस्टोरेंट का नाम है, और बहुत सुंदर एम्बियंस है, सब कुछ मैं आपको दिखाऊँगी, यहाँ का जो फूड होगा वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। सो चलो अब बाहर का आपको एक बार नज़ारा दिखा देती हूँ, फिर अंदर ले चलती हूँ, लेट्स गो। सो ये है इनका रूफ टॉप, एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, दिखा देती हूँ, तो स्पेशियस बहुत ज़्यादा है, ये देख सकते हैं वहाँ तक है ये। सो काफ़ी स्पेशियस है, और बहुत शाम के वक्त बहुत सुंदर लगता होगा, इवनिंग टाइम में लाइक लाइट्स वगैरह जल जाती होंगी, फोटोज और वीडियोस बनाने के लिए तो बहुत सुंदर जगह है। और यहाँ पर ना ये स्पीकर है इतना भयंकर, भाई साहब ये देखो स्पीकर है, तभी इसका साउंड जो है अंदर बहुत तेज आ रहा है। और यहाँ पर ये फाउंटेन भी है जो शाम के वक्त आई गेस चलता होगा। यहाँ का व्यू भी आपको दिखा देती हूँ, फिनिक्स प्लासियो मॉल के पीछे का ये व्यू है जहाँ पे पार्किंग रहता है। सो यहाँ पे फोटोज और वीडियोस आप बहुत अच्छी अच्छी ले सकते हो रूफ टॉप में, और स्पेशियस बहुत ज़्यादा है ये पीछे के साइड, और शाम के वक्त तो ये और भी सुंदर लगता होगा जब ये लाइट्स यहाँ पे जल जाती हैं। सो अच्छा लग रहा है आउटडोर, अब हम इनडोर चलते हैं, अंदर का जो है एम्बियंस वगैरह फूड जो है यहाँ का वो आप लोगों को दिखाएंगे। चलो हम लोग बाहर रूफ टॉप में बैठे हैं, क्योंकि मैंने सोचा अंदर तो हो नहीं पाएगा फूड रिव्यू, बाहर आराम से करेंगे, क्योंकि अंदर जो डीजे है वो बज रहा है और फिर उसका क्लेम ना आ जाए, इस वजह से हमने बाहर इसको जो फूड है वो बाहर हमने ऑर्डर कराया है, और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, बट अभी फूड व्लॉगिंग चल रही है मेरे दोस्त की, सो उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, लेकिन बहुत अच्छा है, एम्बियंस भी इज़ लाइक वेरी ब्यूटीफुल। अब लेट्स सी कि इनका फूड जो है वो कैसा है, और अच्छी जगह पे आके ना यार मैं पता नहीं ऐसा रहता है कि खुल के बात करने में वो झिझक सी होती है, अंदर ऐसा है कि हम कुछ बोल भी रहे तो ऐसा लग रहा है भाई कोई सुन ना ले। सो फाइन डाइन में ऐसा कुछ अगर आपको भी कभी लगता है कि भाई यहाँ पे बस खाना खाओ एटिकेट्स में, मैनर्स में, और फिर निकल जाओ, तो बताना कभी ऐसा फील हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। हमारे यहाँ पे खाना तो आ चुका है, लेकिन अभी वीडियोग्राफी हो रही है तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हो डिमसम है, सुशी है, इसका मुझे नेम नहीं पता, मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी। यहाँ पर हमारी मॉकटेल भी आ रखा है, सो धीरे धीरे सारा आइटम्स आ रहा है, फिर एक एक करके बताएँ। दोस्तों खाना मेरे सामने है, और कुछ पहले पी ही लेते हैं, और जितनी भी डिशेस मैं ट्राई करी हूँ नीचे मेंशन हो जाएगी तो आप लोग वो देखते रहना। सो ये मॉकटेल थी हमारी, ये है पोमो बेजल करके है, बहुत टेस्टी है, रिफ्रेशिंग है, और हमने कुछ चीज़ें ट्राई भी कर ली इनकी, क्योंकि हम इंस्टाग्राम के लिए शूट कर रहे थे @punchoftwist, उस पर आप देख सकते हैं मैं बहुत अच्छी अच्छी फूड की वहाँ पर ब्लॉगिंग करती हूँ। सो यहाँ पे ये एडमामे डिमसम है, सो इसको ट्राई करते हैं, एंड मैं चॉपस्टिक वाली लड़की नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट पर्सन जो चॉपस्टिक से खाए, सो हम या तो फोक से खाएंगे या तो हाथ से खाएंगे, और अपना देसी तो वही हाथी है तो हाथ से ट्राई करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं चार इन्होंने डिप दी हुई है, सोया सॉस है, मोमोज की चटनी है, चिली ऑयल है,
और ये एक और था जिसका नाम मैं फिर से भूल गई, सो यही चीज़ इतनी सारी चीज़ें दे देते ना तो वही कन्फ्यूजन हो जाती है। सो एडमामे डिमसम हम ट्राई करते हैं। ओ गुड, बहुत लाइट है। सो दोस्तों यहाँ पर हमारा देखो ये है ब्लू राइस, ब्लू पीज राइस, और साथ में इसके मैंने देखो फूड मेन्यू मंगा दिया है जो इनका, ये है एग्जॉटिक वेज तोबंजा। सो इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग सो प्लीज़ मुझे बताइएगा। सो ये वेजिटेबल्स हैं इसमें बहुत सारी, एंड जस्ट लाइक चिली पनीर इसमें ग्रेवी है। सो यहाँ पे हम टेस्ट कर चुके हैं, बट आप लोगों के लिए टेस्ट करते हैं फिर से। सो थोड़ा ग्रेवी ले लेती हूँ मैं। बहुत सारी वेजीज है इसमें, सो जुकनी है और फिर बेबी कॉर्न है, मशरूम है। सो सो क्रिस्पी वेजिटेबल्स, बहुत क्रिस्पी है, जो क्रंच आ रहा है वेजीज का बहुत टेस्टी आ रहा है। और ये जो ब्लू राइस है ना, इसका भी एक अलग सा टेस्ट है। मुझे ये जो फ्लावर्स में रखा गया है इसी का कलर आई गेस यूज़ करा जाता है। ये फ्लावर का नेम मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, उसको हम लोग शिवजी भगवान में भी चढ़ाते हैं आई गेस। तो बहुत टेस्टी है, अभी तक जितना भी ट्राई किया है टेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। इट्स नॉट कि हम अच्छी जगह पे आए हैं तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा जैसा जेन्युइन मेरा रिव्यू है, खाने का टेस्ट अच्छा लग रहा है तो अच्छा बताऊँगी, ओके ओके होगा तो ओके ओके बताऊँगी, लेकिन टेस्ट सही है यहाँ का। यह है सुशी, सुशी मैं बहुत कम खाती हूँ, मुझे आई डोंट नो मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन हम इसको ट्राई करेंगे। और इस सुशी का जो नाम है वो है फिली चीज़ जेलपिनो रोल सुशी। सो उसको ट्राई करते हैं। सो ये देखो सुशी, सो ये है वसाबी, ये है पिकल्ड जिंजर जिसके साथ आप खा सकते हो, पर मैं सोया सॉस के साथ इसको डिप करके खाऊंगी, और एक ही बाइट में मैं इसको खाने की कोशिश करती हूँ। नाइस, वसाबी भी टेस्ट कर ही लेती हूँ यार, मुझे पसंद नहीं है लेकिन इसके अंदर की जो फिलिंग है बहुत टेस्टी है। मैंने एक बार खाई थी बहुत पहले, उसका टेस्ट मुझे काफ़ी अजीब सा लगा था, आफ्टर दैट मैंने सुशी ट्राई नहीं किया, बस इसका टेस्ट सच में जेन्युइनली अच्छा लगा। सो दोस्तों अब मैं चिली ऑयल के साथ, चिली ऑयल आई गेस, उसके साथ मैं ये ट्राई कर रही हूँ, ये है टर्निप केक। सो टेस्ट में देखते हैं कैसा होता है। मैं यहाँ पे मेन्यू देख लेती हूँ कि गलत तो नहीं बोल रही है, बिकॉज जो जो नया चीज़ है हमारे लिए वो आपको हम बता भी रहे हैं और खुद भी पहली बार टेस्ट कर रहे हैं। सो इसका जो टेस्ट है ना काफ़ी सॉफ्ट सा है, अंदर का जो है बहुत माइल्ड सा है, लेकिन जो बाहर इसमें चीज़ें डाली गई वो उसको थोड़ा स्पाइसी बना रही है, और चिली ऑयल के साथ मैंने इसको ट्राई किया तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत स्पॉन्जी सा, बहुत टेस्टी सा, प्यारा सा ये केक है। नाइस, जो इसके ऊपर चीज़ें डाली है ना इसको, अब इसको क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत टेस्टी है, तड़का बोल सकते हैं आई गेस। सो दोस्तों अगर आप लखनऊ में ढूंढ रहे हैं पैन एशियन डाइनिंग, जहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सके एशियन फूड को, सो आप आ सकते हो एट रेस्टोरेंट जो कि खुला है अभी, न्यूली रेस्टोरेंट ये ओपन हुआ है फिनिक्स प्लासियो मॉल गोमती नगर लखनऊ में। सो ट्राई जरूर करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। दोस्तों हमने बड़े तरीके से खा लिया और बहुत अच्छा लगा, अब मैं आराम से बैठ गई हूँ। सो जो फूड का यहाँ पे क्वालिटी प्लस टेस्ट है वो बहुत अच्छी है, ऑफ कोर्स फाइन डाइन रेस्टोरेंट है, और ये मुंबई का फेमस रेस्टोरेंट है एट रेस्टोरेंट, जो कि हमारे लखनऊ में भी आ गया है अब फिनिक्स प्लासियो मॉल में, तो आप भी आ सकते हो। और प्राइस की बात करूँ तो ऑफ कोर्स ये एक्सपेंसिव आपको पड़ेगा अगर आप रेस्टोरेंट में देख रहे हो, ऑफ कोर्स ये मॉल में भी है सो इस वजह से एक्सपेंसिव तो पड़ेगा, लेकिन कभी कभी जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन करना हो या फैमिली के साथ अच्छी जगह आप ढूंढ रहे हो तो आप ये जगह ट्राई कर सकते हो। लेकिन कमेंट बॉक्स में मुझे फिर ये बताना कि आपको स्ट्रीट फूड अच्छा लगता है कि फाइन डाइन रेस्टोरेंट में, मतलब रेस्टोरेंट में जाके खाना पसंद आता है, ये ज़रूर मुझे बताइएगा। और बहुत लोग मुझसे बहुत काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि प्लीज़ फूड जो ब्लॉग्स आपने कम कर दिए हैं,
फूड ब्लॉग्स डालिए, और कुछ लोग बोलते हैं कि प्लीज़ अपना डेली ब्लॉग्स डालिए, कुछ लोग कहते हैं हमें मार्केट दिखाइए। सो मैं धीरे धीरे कोशिश करती हूँ जितना भी कवर कर सकूँ वो मैं करूँ आप लोगों के लिए। बस अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखें। सो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, नीचे प्यारा सा लाल कलर का बटन होगा जिसे खचक से दबाकर मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।